हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्या हाल चाल आपके? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। तो भाई फिलहाल करते हैं दिन की शुरुआत। बहुत प्यारा सा दिन है, मौसम ठीक हो रहा है। बाहर जाके ही पता चलेगा कल की तरह ना हो जाए कि मैं कहूँ कि ठंडा होगा और बाहर जाके पता चला तो ह्यूमिड बहुत ज़्यादा हो। तो भाई बाहर जाके ही देखते हैं, तो चलते हैं सर। तो मैं सोच रहा हूँ शर्मा जी को फ़ोन किया जाए, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, उनसे पता लगाया जाए क्या प्लान है उनका। बिजी है अभी, चलो दो मिनट में फिर करते हैं। हेलो, हाँ जी शर्मा जी, क्या हाल चाल? बढ़िया जी बढ़िया, तुम सुनाओ महाराज? बहुत बढ़िया, क्या प्लान है सर आज आपका? मैं तो टूर पे हूँ। कहाँ पे? कल रहूँगा फ्री। अच्छा, आज आ गया था, लोगों को था कल ले नहीं आएंगे, कल फ्री रहूँ। देख लो भाई, बाबू जी के शूट है, है? देख रहे हो? अच्छा फिर है? क्यों? क्या कह रहे हो? हेलो, हाँ जी मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा क्या कह रहे हो तुम? नहीं मैं कह तो कुछ भी नहीं रहा, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ। कल ले जाऊँ, कल फ्री हूँ मैं। चलो फिर कल मिलते हैं, क्योंकि आज तो आया हूँ मार्केट। अच्छा हाँ, कल वहाँ चला गया था होटल शूट करने। अच्छा, और आज मार्केट आ गया। अच्छा, कल फ्री रहूँगा। चलो फिर कल मिलते हैं फिर आपसे। ठीक है, ओके ओके। तो भाई हमारे शर्मा जी तो फ्री है नहीं आज, तो क्या किया जाए, कुछ और तिकड़म बिड़ाते हैं, क्या करना है क्या देखते हैं। आई एम सॉरी भाई, आज आप लोग मुझे गाली दोगे, मगर मैं आज कहे बिना मेरे से रहा नहीं जा रहा। मैं एक्चुअली देख रहा था, सो मैं कहे बिना नहीं रहूँगा। सो मैं सभी को कहूँगा कि भाई आप लोग इतने गलत हो, इतने खराब हो कि आप लोगों को जितना मर्जी समझा लो आप लोग मानोगे नहीं। मतलब आप ये चाहते हो कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो बहुत साफ़ सुथरा हो, जैसी बाहर के कंपैरिजन करोगे कि हम वो कितनी अच्छी सुंदर कंट्री है और हमारी देखो कैसे। अरे भाई आप लोगों को खुद से ही इस चीज़ को आगे फॉलो करना पड़ेगा, ये अपने आप से खुद के अंदर से आनी चाहिए कि हम लोग अपनी कंट्री को साफ रखें। ये एक मेट्रो है, मेट्रो का पिलर है, और देखो किस तरीके से यहाँ पे पोस्टर वगैरह चिपकाए हुए हैं। तो भाई ये पोस्टर क्या करेंगे वो आपको भी पता, ये गंदगी के अलावा कुछ नहीं करेंगे, और इसका सारा ठीकरा फोड़ दिया जाएगा गवर्नमेंट के अंदर, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर फोड़ दिया जाएगा कि गवर्नमेंट ये ख़राब कर देती है या गवर्नमेंट ने इस तरीके के काम किए हैं, तो क्या किया जाए। वो धीरे धीरे जब ये पोस्टर जो लगे रहेंगे, लगे रहने के बाद कुछ दिनों तक ये ठीक ठाक रहेंगे, धूप लगने से फिर बारिश पड़ेगी, बारिश लगेगी पानी लगेगा तो ये उतर के कुछ बह जाएंगे, कुछ उनका थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा, फिर उस पे वो चिपका रहेगा कुछ दिनों तक, फिर उसमें मिट्टी लगेगी, फिर वो वॉल जहाँ से इन्होंने ग्लू लगाई हुई होती है फिर वो ग्लू के अराउंड मिट्टी चिपक जाएगी, फिर वो और गंदा लगेगा, और फिर गालियाँ देंगे गवर्नमेंट को कि भाई ये गवर्नमेंट गंदी है, ये काम नहीं करना चाहती। अरे भाई तुम भी तो देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने ऐड के पैसे बचाने के लिए, अरे फ्लैक्स बने आए हुए हैं लोगों ने, पिलर्स बनाए हुए हैं, उसका रेंट दो, उस पर लगवाओ, तुम जगह जगह प्रॉपर्टी को, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको क्यों ख़राब कर रहे हो, लोगों से लगवाए चिपकवा दिए बस बात ख़त्म हो गई। फिर वो सड़ेंगे ख़राब होंगे हर पिलर पर, आप जितने भी मेट्रो स्टेशन के पिलर्स देखेंगे या जितने भी वॉल्स देखेंगे जो खाली हैं भाई, उन पे सब पे हर जगह लगा देते हैं, कोई नहीं मानता कोई भी। मेरी तरफ से तो गवर्नमेंट को एक एक्शन लेना चाहिए, जिसका जिसका वो है ऐड है उसी के ऊपर जाके केस करो या फिर उसके ऊपर पेनल्टी लगाओ। जब उन लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा ना, जब जाके इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता। सो कुछ ऐसा चल रहा है फिलहाल हिंदुस्तान में जो कि गलत है। मेरा मन था कि मैं इस पर कुछ बोलूं तो भाई मैंने बोल दिया, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा तो आई एम सॉरी भाई, बट जो चीज़ गंदी लगती है उसके अगेंस्ट बोलने में तो आई थिंक कोई बुराई है नहीं। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग मेरी बात से सहमत होंगे,
मतलब मेरी बात पे एग्री करेंगे, पर जितने भी करेंगे भाई उनको थैंक यू। आप ज़रूर बताना कि आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये सही है या गलत है, आप दोनों चीज़ बताना। और भाई सरकार नहीं मानती तो भाई लोगों को क्या कहेंगे, तो खुद ही सरकार नहीं मान रही कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, जो गलत है उसको आगे प्रमोट कर रही। थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी, मैं उस टाइम काम कर रहा था, बट लगता ही नहीं हुई भी है नहीं। थोड़ा मार्केट चलते हैं यार। कल रात से ना मेरी बॉडी मेरे साथ खेल खेल रही है, कल रात से नहीं कह सकते, कल दिन से। पता है क्या, मैं आया और मैं सो गया था कल, और सोने के बाद आराम से जैसे नॉर्मल बंदा दिन में सो जाता, कोई बात नहीं, मैं आके सो गया। कल रात मेरे को नींद नहीं आई, पूरी रात में परेशान रहा, फिर मेरे पेट में दर्द शुरू, मैंने पुदीना रा ली रात को 3 बजे। मैंने कहा यार ये हो क्या गया मेरे साथ, क्या ऐसा ड्रामा मैंने क्या खा लिया यार, जो मेरे साथ इस तरीके की हरकत हो रही है। खैर कोई बात नहीं, फिर मैं लेट गया, सुबह वही रूटीन जो मेरा होता है वो मैंने उठा, काम किया, गया, फिर वापस आया। आने के बाद आज दोपहर में आराम से बैठा हुआ काम कर रहा था कुछ, और पता नहीं एकदम से ताबड़ तोड़ वाली नींद आई भाई मेरे को। मैं उठा और जाके अपने बेटे के पास बैठा ही था, और भाई मुझे नहीं पता चला मैं कहाँ गया हूँ उसके बाद, कहाँ नहीं। मेरी भाई बोली, शिप्रा है उसका नाम, सो वो बोली मेरे को कि बारिश आ रही है। मैंने कहा आज अब कुछ भी आता रहे, कुछ नहीं पता अब। सो आज बारिश भी आई थी, थोड़ी बहुत ही आई थी, ज़्यादा नहीं आई थी, सो वो भी नहीं देख पाया। मैं सोच रहा था देख लूँगा, उसने मेरे को बताया था कि बारिश है। तो आज जो मेरे साथ भाई मेरी बॉडी ने खेल खेला है, मेरी वॉट लगा के रख दी, 2 दिन मेरे ख़राब हो गए। 2 दिन का कुछ नहीं पता कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, एक तो कल का और एक आज का। कल तो फिर भी दिन का पता है, मेरी गलती थी मैं सो गया था, बट आज का तो लिटरली मेरे को कुछ नहीं पता मेरे साथ हुआ क्या है। भाई मामू कट गया आज मेरा। तो फिलहाल निकला हूँ बाहर और देखते हैं कुछ खाने पीने का घर के लिए लेके आते हैं, कुछ सामान लेना है मेरे को घर का। मेरे को चीख चीख के परेशान हो गई शिप्रा के कुछ ले आया यार, वो लेके आना था कुछ सामान। सो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, अभी उठा था सो के और फिर मैं निकल गया। मैंने कहा चल वो लेके आते हैं पहले। सो भाई आज ऐसा हुआ, आज से पहले लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ और नहीं होना भी चाहिए। मतलब आगे मैं गॉड से प्रे करूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भाई ऐसी हरकत मेरे साथ फिर दोबारा ना हो। एक पीछे गाड़ी वाला है यार, पी 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 करके मेरा दिमाग खराब कर गया। तू निकल भाई पहले, तू चल। यहाँ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जल्दी सबको है और टाइम पे कोई नहीं पहुँचता। सब जाएंगे करेंगे कि मतलब हम निकल जाए पहले, हमसे ज़्यादा जल्दी किसी को नहीं है। और भाई कोई भी बंदा टाइम पे नहीं पहुंचता, इवन मैं खुद, मैं दूसरे को बात क्यों बनाऊं, मैं खुद नहीं पहुंचता कहीं पे भी टाइम पे। तो एक बार सामान ले लें भैया, वो सामान लेके फिर आपसे रूबरू होते हैं। सोने में जितना मज़ा आता, मेरे काम हो गए मैं पहले बता दूं, सो मैं ये बोल रहा था कि सोने में जितना मज़ा आता उतना ही उठने के बाद ना रिग्रेट फील होता है यार क्या कर दिया, मतलब उतना ही गिल्ट फील होगा आपको कि यार मैं जगा ही रहता ना सोता तो बहुत अच्छा था। वही मतलब सेम फीलिंग मेरे साथ अभी फिलहाल है, तो मैं अभी थोड़ा सा गिल्ट में हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊँगा आई होप, मगर अभी फिलहाल ऐसी ही वो है यार, मुझे नहीं सोना चाहिए था, गलत हो गया, नहीं सोना चाहिए था। बट सोने में भाई जो मज़ा आता है वो, तो भाई जो दिन में सोते हैं, जो दिन के नींद के मज़े लेते हैं भाई, एक बार कमेंट करके बताओ आपको भी ऐसा होता है कि जैसा आज मेरे साथ फील मुझे हो रहा है। सो फिलहाल आज का तो सारा प्लान चौपट हो गया, कुछ भी प्लान नहीं बना, ना कोई कंटेंट निकला जो आपको दिखा दें कुछ अच्छा। आज नॉर्मल डे रहा, आप लोग बताना कि भाई आज का व्लॉग भी कैसा लगा, और भाई सपोर्ट करो, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं है। तो
जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाओगे कुछ भी नहीं होगा। तो भाई को भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो, ताकि हम भी थोड़ा सा प्रोग्रेस कर जाए, तरक्की कर जाए। आप लोगों का ही साथ चाहिए भाई, कह ही सकते हैं, हाथ पकड़ के उंगली दबवा तो नहीं सकते ना किसी से, वही बात है। सो प्लीज़ ज़बरदस्त तरीके से भाई सब्सक्राइब कर दो, बोला भी नहीं जा रहा, टंग ट्विस्टिंग करनी पड़ेगी मुझे। चक्कर करके टंग ट्विस्टर आते हैं, मेरे को अभी प्रॉपर याद नहीं आ रहा। सो अगर आपको पता है, आपने वुड चक्कर वाला टंग ट्विस्टर पढ़ा है या सुना है या आपको याद है तो बताना एक बार। तो चलते हैं घर की तरफ, प्रस्थान करते हैं। आज के दिन में कर तो कुछ पाए नहीं, तो सोचा आपसे ही बता दें कि भाई हम कुछ नहीं किए हैं आज। मेरा एक्सेंट भी चेंज हो गया, बिहार वालों का एक्सेंट आ रहा है। तो भाई बिहार से जो देख रहा है, देखो भाई तुम्हारी मोहब्बत कितनी अच्छी लग रही है कि भाई हम लोग भी सीख रहे हैं, हमें भी आ रहा है, वो हमारी जुबान पे आ रहा है। चलो पहुंचते हैं घर। क्या बनाया है आपने? बॉल्स की बॉल्स की बलून बनाया। बॉल्स का बलून बनाया? आप ग्लू खराब कर रहे हो, इस पे थोड़ी बनते हैं। आप वो ले लो ना, इसको ना वो वाला पेपर दे देना, आर्ट पेपर जो होता है। कर लो चलो। तो भाई टाइम हो गया, 9 बज गए हैं और ऐसा अभी। हाँ जी, जब काम में थे ना, मैंने अच्छा सो भाई 9 बज चुके हैं और ऐसा चबी खाने का तो कोई प्लान है नहीं, क्योंकि भाई उठते ही नहीं खा सकते। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।